ह्यूमन हिस्ट्री में दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में किसी ना किसी तरह का प्रोटेस्ट जरूर हुआ है, चाहे वो प्रोटेस्ट बहुत ही छोटे लेवल पे हुआ हो या काफी बड़े लेवल पे। हर तरह के मैटर्स जैसे करप्शन, ब्रुटैलिटी, फेसिज्म, रेसिज्म और बहुत सारे ऐसे मैटर्स पे लोगों ने अपनी आवाज जरूर उठाई है। काफी प्रोटेस्ट से लोगों को अपने डिमांड मिले भी है, मगर बहुत से प्रोटेस्ट ऐसे भी है जिनसे आज तक लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाया है। तो चलिए देखते हैं कुछ 10 ऐसे प्रोटेस्ट जो हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से भी एक माने जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। नंबर 10, द ऑरेंज रेवोल्यूशन। 2004 में लाखों लोगों ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट किया था। इस इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट का फर्स्ट नेम एक ही था, विक्टर युश्चेन्को और विक्टर यानुकोविच। जब विक्टर यानुकोविच जीत गए थे तो उसके बाद काफी खबरें आई थी कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई थी और काफी वोटर से जबरदस्ती यानुकोविच को वोट करवाया गया था, जिसके काफी सबूत भी बाहर आए थे। इसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था जो 2 महीनों तक चला था, जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग जुड़े थे। फाइनली रिजल्ट्स को नल ठहराया गया और यानुकोविच को हटाकर युश्चेन्को को प्रेसिडेंट बना दिया गया था फेयर तरीके से। नंबर 9, विमेंस मार्च। 2017 का विमेंस मार्च ऑफिशियली यूएस के हिस्ट्री का सबसे बड़ा वन डे प्रोटेस्ट है, जिसमें ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन लोग जुड़े थे, जो ट्रंप के इनॉग्रेशन के ठीक अगले दिन हुआ था। इसका रीजन था काफी लोगों को ट्रंप के स्टेटमेंट्स ऑफेंसिव और एंटी वुमेन लगे थे। इस मार्च का मेन स्लोगन था विमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ विमेंस राइट्स के लिए नहीं था, बल्कि LGBTQ, रिलीजियस फ्रीडम्स, वर्कर राइट्स, रेशियल इक्वालिटी, हेल्थ केयर और बहुत सारी दूसरे चीजों के लिए भी था। ये प्रोटेस्ट 2018 में वापस हुआ था, जिसमें 1.5 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये 2019 और 2020 में भी हुआ था, मगर इस टाइम काफी कम लोग जुड़े थे। 2017 के मार्च में काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कैटी पेरी, स्कारलेट जॉनसन, क्रिस रॉक, रिहाना, केविन बेकन वगैरह। नंबर 8, गांधी सॉल्ट मार्च, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च या डांडी सत्याग्रह से भी जानते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नमक के टैक्सेशन रूल्स के खिलाफ, जो कि 24 दिन तक चला था, जिसमें महात्मा गांधी जी के साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जिसमें गांधी जी और सारे लोगों ने 24 दिन के लिए 400 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था अपना खुद का सॉल्ट कलेक्ट करने के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स के रूल्स के लिए इलीगल था। और गांधी जी और सारे लोगों को जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था, उन सबको इम्प्रिजन कर दिया गया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान काफी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया था और ब्रिटिशर्स के रूल्स को गलत माना था। मगर ठीक 17 साल के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी मिल गई थी। नंबर 7, टियानएनमेन स्क्वायर। 4 जून 1989 का ये प्रोटेस्ट चाइना के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से भी एक माना जाता है, और जिसका इस साल 31st एनिवर्सरी भी मनाया गया था। 1999 के ये प्रोटेस्ट में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस इंसिडेंट की जो स्टोरी है, उसकी बात कहीं पे भी नहीं करी जाती है, और ना ही हिस्ट्री बुक्स में इसको मेंशन किया गया है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को सेंसर्ड कर दिया गया है। इस प्रोटेस्ट के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया था या फिर उन्हें कंट्री से भगा दिया गया था, और इनके सारे रिश्तेदारों को आज भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तो सवाल ये कि 1 मिलियन लोग क्यों जुड़े थे इस प्रोटेस्ट के लिए। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए शुरू हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। हंगर स्ट्राइक के तौर पे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स थे। चाइनीज गवर्नमेंट, जिनको दुनिया के सबसे फेसिस्ट गवर्नमेंट में से भी एक माना जाता है, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने 2.5 लाख ट्रूप्स भेजे थे। 1 मिलियन लोगों के सामने ये 2.5 लाख ट्रूप्स काफी कम पड़ गए थे, मगर फिर भी इस प्रोटेस्ट के दौरान हजारों लोगों की जान गई थी जब ट्रूप्स ने फायरिंग करना शुरू किया था, और हजारों लोग अरेस्ट भी हुए थे। नंबर 6, ऑक्यूपाई मूवमेंट। अक्टूबर 17, 2011 को ऑक्यूपाई प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसके शुरुआत में सिर्फ 1000 लोग जुड़े थे न्यूयॉर्क के एक पार्क में। यहां से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और आगे जाके 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग जुड़ गए थे 82 कंट्रीज, 950 से ज्यादा सिटीज और 600 कम्युनिटीज से। ये सारे लोग एक साथ जुड़े थे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण से। ऑक्यूपाई मूवमेंट ही था जिससे वी आर द 99% स्लोगन शुरू हुआ था। इस स्लोगन का यही मतलब था कि दुनिया का ज्यादातर इनकम सिर्फ 1% लोगों को ही मिल रहा था। प्रोटेस्ट के शुरुआत में इस मूवमेंट को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था क्लियर ऑब्जेक्टिव ना होने के कारण से। इसकी वजह से फिर क्लियर डिमांड्स मांगे गए थे इन प्रोटेस्टर्स ने,
जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री रेगुलेशंस को और सख्त होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को रोकना चाहिए, पॉलिटिक्स और करप्शन हटाना चाहिए और 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के लिए जो जिम्मेदार है उन पे एक्शंस लेना चाहिए। इन यूनाइटेड लोगों का जिनका कोई लीडर नहीं था, इनकी डिमांड्स फाइनली सुन ली गई थी। नंबर 5 पे आता है ब्लैक लाइव्स मैटर्स, जिसके बारे में ऑफकोर्स आप सब जरूर सुन रहे होंगे आजकल। ये प्रोटेस्ट वैसे तो काफी सालों से चलता आ रहा है, मगर अभी ये वापस शुरू हुआ था जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम के इंसान को पुलिस ने काफी ब्रूटली अटैक किया था, एक बहुत ही छोटे से क्राइम के लिए जिसमें उनकी जान चली गई थी। जॉर्ज फ्लॉयड पे इल्जाम था कि वो एक शॉप में जिसके वो रेगुलर कस्टमर थे वहाँ $20 का नकली नोट चला रहे थे, जिसके एक्चुअली अभी तक कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई है कि इसमें जॉर्ज की कोई गलती थी या वो अनजाने में ऐसा कर रहे थे। ऑफ कोर्स बिना इन्वेस्टिगेशन के पुलिस के थ्रू जॉर्ज की जान चले जाना एक बहुत ही शॉकिंग बात थी, मगर ऐसा पहली बार नहीं देखा गया था यूएस में। इससे पहले भी कई बार ऐसे केसेस देखे गए जिसमें ब्लैक लोगों को सबसे ज्यादा गलत रीजंस के लिए अटैक किया गया था एज कम्पेयर टू व्हाइट पीपल। जॉर्ज और पुलिस के बीच जो भी हुआ था वो एक कैमरा में क्लियरली रिकॉर्ड हुआ था, जिसके वायरल होने के बाद यूएस के काफी सारे सिटीज और इवन दूसरी कंट्रीज के हजारों लोग सड़क पे उतर आए थे पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट होकर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नंबर 4 पे आता है द वेब ब्लैकआउट। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्रोटेस्ट था जो जनवरी 2012 में हुआ था। 18 जनवरी 2012 को हजारों वेबसाइट्स, जिसमें बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स जैसे विकिपीडिया, वायर्ड ने अपना साइट बंद कर लिया था इस प्रोटेस्ट के तौर पे। इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद था ऑनलाइन पायरेसी को खत्म करना। इसके लिए दो बिल्स को पास भी करने का डिमांड था, SOPA स्टॉप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट और PIPPA प्रोटेक्ट IP एक्ट। इसकी डिमांड थी कि ऑनलाइन पायरेसी को हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए और ऐसा कोई करते हुए दिखे तो उसे 5 साल तक की जेल हो। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, ईबे, गूगल इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे और ये बिल कभी पास नहीं हो पाया। नंबर 3 पे आता है मिलियन मास्क मार्च। MMM को दुनिया का लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोटेस्ट में से भी एक माना जाता है। इस प्रोटेस्ट को ऑपरेशन वेंडाटा से भी जाना जाता है दुनिया भर में। ये प्रोटेस्ट एनोनिमस हैक्टिविस्ट ग्रुप के थ्रू करा जाता है हर साल गाय फॉक्स डे पे, जो नवंबर 5 को होता है। इस दिन मिलियंस में लोग लंदन, वॉशिंगटन DC, कनाडा, नेदरलैंड्स और काफी सारी दूसरी कंट्रीज में इकट्ठा होते हैं गाय फॉक्स के मास्क पहन के। गाय फॉक्स एक मेंबर था इंग्लिश कैथोलिक्स का, जिसने गन पाउडर प्लॉट 1605 को प्लान किया था और जिसको जनवरी 1606 में फांसी दे दी गई थी। बेसिकली ये प्रोटेस्ट की मांग है कि दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, सारे गवर्नमेंट सिस्टम में जो भी इनइक्वालिटी, अब्यूज, माल प्रैक्टिस वगैरह है वो खत्म करनी चाहिए। कई ऑब्जर्वर्स ने क्लेम किया है कि MMM दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस प्रोटेस्ट को बहुत ही कम मीडिया कवरेज मिल पाती है। नंबर 2 पे आता है मई 1968 फ्रांस प्रोटेस्ट। ये फ्रांस का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाता है, जो 7 हफ्तों तक चला था, जिसमें 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 22% था उस टाइम पे। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कुछ स्टूडेंट्स हुई थी जो कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। चीजें इतनी खराब हो गई थी कि गवर्नमेंट रेवोल्यूशन या सिविल वॉर को प्लान कर रही थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर पुलिस ब्रुटैलिटी काफी देखी गई थी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट। इसके बाद प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गोल चुपके से फ्रांस से जर्मनी भाग गए थे। फाइनली नंबर 1 पे आता है इराक वॉर प्रोटेस्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो 15 फरवरी 2003 को हुआ था, जिसमें 36 मिलियन से भी ज्यादा लोग जुड़े थे दुनिया भर से। ये प्रोटेस्ट यूएस के एजेंडा के अगेंस्ट था, जिसमें यूएस इराक पर कब्जा करने को प्लान कर रहा था। ये करोड़ों लोगों का कहना था कि दुनिया को इलीगल और अनजस्टिफाइड वॉर से रोकना चाहिए और इन पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ना स्पेंड करके दूसरी पीसफुल जगहों पे और अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने पे स्पेंड करना चाहिए। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटी वॉर मूवमेंट था और सबसे बड़ा वन डे ग्लोबल प्रोटेस्ट पूरे हिस्ट्री का। एक पोल किया गया था 41 कंट्रीज में, जिसमें 90% से ज्यादा लोगों ने वॉर के अगेंस्ट चूज किया था और सिर्फ 10% से भी कम लोगों ने वॉर को सपोर्ट किया था। करोड़ों लोगों के अगेंस्ट होने पर भी यूएस नहीं माना और 20 मार्च 2003 को यूएस ने इराक को इन्वेड कर लिया था। तो
दोस्तों आपका क्या कहना है इन प्रोटेस्ट के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।